नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनक्रेडिबल क्रिएशंस में। आज मैं एक कली वाली ड्रेस का वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, तो चलिए देखते हैं वीडियो। तो ये एक कुर्ती है और मुझे बिल्कुल ऐसी ही बनानी है, ये कली वाली कुर्ती है। सबसे पहले इसका घेर देख लेते हैं कि इसका घेर जो है वो कितना है, और ये कली वाली कुर्ती है ये भी। तो इसका घेर जो है ये 54 के करीब है, और इसमें 6 कलियां हैं, 6 कली आगे और 6 कली पीछे, टोटल 12 हैं। और एक कली की जो ये नीचे की तरफ बॉटम में जो इसका घेर है वो 10 है, और ऊपर में 4 इंच के करीब है। तो एक कली जो है ऊपर में 4 है और नीचे में 10 है। तो मैंने कपड़ा जो है ये 4 मीटर लिया हुआ है, 4 मीटर में मुझे पूरा ये कुर्ती जो है तैयार कर लेना है, और इसे डबल फोल्ड कर लिया है। और जो पहले मापा था कुर्ती 54 के करीब था, तो उसी के हिसाब से इसको मैंने पूरा 60 इंच इस कपड़े को डबल फोल्ड में कर लिया है। और इसकी जो लंबाई रखेंगे वो आपकी जो भी कुर्ती की पूरी टोटल लेंथ रहेगी, उसमें से अपर पार्ट निकाल कर जो भी बचेगा तो उसको नीचे ये घेर में उसकी लेंथ हो जाएगी। तो मुझे कुर्ती की जो लंबाई है वो 45 इंच रखनी है, और उसका अपर पार्ट जो है वो 14 इंच रखना है। तो मैंने इसकी जो लंबाई है वो 32 इंच रखी है, क्योंकि इसमें भी मोड़ने में जाएगा। अब घेर की कटिंग कर लेते हैं। तो घेर ये 10-10 इंच का इधर नीचे, और इसमें मैं 7 कलियां निकालूंगी, उसमें 6 थी, इसमें 7 निकालूंगी। तो 10 का हाफ कर दिया 5 इंच। अब 5 इंच का भी दोनों साइड में 2-2 इंच करके निशान लगा लेंगे, और इधर 10 था उससे मिला लेंगे। तो इस तरह से ये एक कली जो है तैयार हो जाएगी, और यहाँ भी 10 था और ऊपर वाला जो निशान था उससे मिला लेंगे। और ये कपड़े को डबल फोल्ड में कर लिया है, तो देखिए इस तरह से ये निशान जो है लग गया। यहाँ 10 था, यहाँ 10 का हाफ 5 ली, और 5 का फिर दोनों साइड में 2-2 इंच, तो 4 इंच ऊपर और 10 इंच नीचे। इस तरह से एक कली हो गई, और कुछ दबाव में भी जाएगा। और इधर भी अब इधर 10 इंच लेंगे और यहाँ पर 4 इंच लेंगे। तो ये अब इसी तरह से आगे की सारी कलियां जो हैं वो निकाल देंगे। तो अब इस साइड 10 था, तो अब इधर 4 इंच मापेंगे, और इधर इस साइड 10 इंच मापेंगे, और इस तरह आगे की भी सारी कलियां जो हैं कट कर देंगे। कमर के साइड मैंने 4 इंच लिया है, जो कि दबाव में आधा इंच दब कर 3 इंच रह जाएगा, और 7 कलियां हैं टोटल। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 इंच आएगा। तो जो कमर का आपका माप रहेगा वो 21 इंच आएगा, और इसमें मार्जिन भी रहेगा 2-2 इंच। तो उसी हिसाब से आप अपना ये इसकी कलियां जो हैं कट कर सकते हैं। और जो भी एक्स्ट्रा ये कपड़ा था इसे निकाल दिया है, और ये इतनी 7 कलियां जो हैं बनकर तैयार हो गई हैं। तो इसको इस तरह से 1x1 करके यहाँ पर लगा लेते हैं। तो देखिए इसका घेर जो है ये इतना आएगा, और नीचे में मैंने 1 इंच ही एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, और ये इसका नीचे ऊपर का घेर और ये नीचे का घेर ये इतना आया है। तो इसको माप लेते हैं कि ये कितना है। तो इसका जो घेर है देखिए ये यहाँ तक है, 60 से भी ज़्यादा है, क्योंकि 7 इंच रखा था मैंने, और इसमें सिलने के बाद 60 इंच घेर रह जाएगा। और ऊपर में ये वेस्ट के साइड भी देख लेते हैं कि ये कितना है। तो ये 27 इंच है, और अभी ये सिलाई होगी तो इस दबाव में भी कुछ चला जाएगा, और अगर जो भी एक्स्ट्रा रहेगा तो उसे ट्रिम कर लेंगे। तो अब अपर बॉडी की को कट कर लेते हैं। तो 1 इंच ऊपर मैंने एक्स्ट्रा लिया है, और उसके बाद से फिर शोल्डर का हाफ 7.5, नीचे 6.5 आर्म होल, और यहाँ पर भी 7.5, और 1 इंच अंदर की तरफ 6.5 निशान लगा दिया। अब इन निशानों को इस तरह से, ये आर्म होल लेंथ है, इसको मिला देंगे यहाँ पर। और अब यहाँ पे बस्ट का 1/4 लेंगे, तो 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और 2 इंच मार्जिन ले लिया। और इसके बाद फिर यहाँ से बैक और ये फ्रंट का गोलाई का निशान हो गया। 15 इंच पर निशान लगाया, वेस्ट में
और ऊपर जितना था नीचे भी उतना ही रख के कट कर लेंगे। और तैयार जो है वो 14 इंच आएगा ऊपर, और 1 इंच ऊपर के साइड में मैंने एक्स्ट्रा लिया था क्योंकि ये बोट नेक में है तो आगे की तरफ जो है ये आ जाता है इसका गला जो है, तो ये गला इसका अच्छे से सेट रहे एक ही जगह, इसलिए पीछे बैक में जो है 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और फ्रंट में उसे कट कर देंगे। तो ये बैक है, ये 1 इंच एक्स्ट्रा था और अब फ्रंट इसका है ये। तो ये जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको निकाल देंगे यहाँ से, सिर्फ बैक में ही अधिक रहेगा क्योंकि गला जो है छोटा रहने की वजह से आगे की तरफ आ जाता है। और अभी ये आर्म होल का भी इसमें कटिंग कर लेंगे। तो ये अपर पार्ट जो है कट गया और बाजू भी इसका वैसे ही कट कर लेना है। अब इसमें डिज़ाइन बनानी है मुझे, तो ये जो मोहरी की बुकरम आती है उसे ही मैंने लिया है और इसको इस तरह से बराबर करके यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइन बनानी है। और इसमें एक्स्ट्रा दोनों साइड में हाफ हाफ इंच जो है यहाँ एक्स्ट्रा रखा है और इसे पेस्ट कर लिया है। और जो अपर बॉडी थी उसको सेंटर में ऐसे निशान लगा दिया था और इस वाले में भी सेंटर में यहाँ पर निशान लगा देंगे और बिल्कुल बीचों बीच जो है इसको सिल लेंगे। और इसके ऊपर ये वाली लेस लगानी है वाइट कलर की, तो इसको बिल्कुल बीचों बीच रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और ये लेस जो है अंदर के साइड में यहाँ पर सिलाई लगा देंगे इसको। तो ये सेंटर वाली लेस जो है ये तैयार हो गई और यहाँ से 2 इंच रखेंगे और इधर से भी 2 इंच और यहाँ दोनों तरफ से 2-2 इंच रखकर फिर बाकी के जो भी ये सिले थे और इसको भी सिल लेंगे। तो इसको बस सिंपल ऐसे ही सिलेंगे, इसके ऊपर से ये जो लेस लगाया था ये अंदर के साइड नहीं करेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे। तो यहाँ पर अब इसको सब तरफ से सिल लेते हैं और बाकी के भी ऐसे ही तैयार कर लेंगे। अब इसका नेक बनाना है मुझे, तो नेक की जो विड्थ है वो 4 इंच रखी है और लेंथ जो है ये भी 4 इंच ही रहेगी। और इस तरह एक बॉक्स बना लेंगे, तो यहाँ पर ये बॉक्स एक बना लिया। अब इसके अंदर जो है आप ये मैं बोट नेक का शेप ऐसे दे रही हूँ, आप कोई भी इसमें शेप दे सकते हैं। और फिर उसके बाहर भी इस तरह से शेप लगा दिया और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। और अब इसकी कटिंग कर ली और इसको नेक का वीडियो मैंने ऑलरेडी कई बार शेयर किया हुआ है, तो इसका वीडियो मैंने नहीं दिखाया है। तो नेक भी मैंने तैयार कर लिया है, शोल्डर सिल लिया है और बैक पार्ट का भी नेक बना लिया है, बाजू भी अटैच कर लिया है, इसमें फ्रिल लगाई है बाजू में इस तरह से। ये कई बार मैंने इस तरह की वीडियो जो है शेयर की हुई है, इस तरह से फ्रिल की भी वीडियो शेयर की है। तो अब नीचे का घेर इसका तैयार करना है, जो कली जोड़ी थी कलियों को भी जोड़ दिया है। और घेर इसका सिलने के लिए 3 इंच चौड़ाई रखी है और इसकी जो लंबाई रखेंगे जितनी घेर है उस हिसाब से। तो ये कलियां आपस में सारी जोड़ ली हैं और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे ट्रिम कर लेंगे। तो सीधे के साइड को ये कलियों के सीधे साइड से इसको सिलते जाएंगे, फिर अंदर की तरफ फोल्ड करके और यहाँ से भी इस तरह सिलाई लगा देंगे। तो चलिए इसको सिल लेते हैं। तो सीधे के साइड इस पर रख के पहले पूरी एक सिलाई लगा देते हैं। तो पूरे घेर में इसको सिल लिया है, अब इस पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो अब इस पे सिलाई भी लगा ली है ऊपर से, अब इसको ये रॉन्ग साइड से
के तरफ रखकर और अंदर के साइड से फोल्ड करके अब इसको पूरे घेर में सिल लेंगे। तो कहीं कहीं पे हल्की हल्की प्लीट्स आएंगी, तो इसको ज़्यादा खींच कर नहीं लगाना है, क्योंकि फिर ऊपर जो नीचे के साइड है वो ज़्यादा घेर है और ऊपर में थोड़ा सा कम हो गया है घेर। तो ध्यान में रखते हुए इसको कहीं कहीं पे हल्का हल्का प्लीट डालते हुए और इसको अच्छे से सिल लेंगे। तो देखिए इस तरह से कहीं कहीं पे छोटे छोटे प्लीट आएंगे, तो उसी तरह से इसे सिल लेना है। तो ये देखिए इसका घेर भी तैयार कर लिया है और ये इस तरह से आए आयन करेंगे तो अच्छे से ये सेट हो जाएगा यहाँ पर। और अब ये ऊपर वाला भाग है और ये कलियों वाला, तो अब इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो इसको यहाँ से सेंटर से बिल्कुल इसको सेंटर में कट लगा देंगे और इसके भी, और यहाँ से इसको दोनों हिस्सा जो है इसको सिल लेंगे और बैक में भी वैसे ही सिल लेना है। तो इसको चलिए तैयार कर लेते हैं और ये साइड में जो भी आपकी फिटिंग की सिलाई है उसे करके उसे भी सिल लेंगे। तो ये देखिए कुर्ती जो है बनकर रेडी हो गई है। इस तरह से इसका लुक आया है और इसमें ये फ्रिल लगाई थी और ऊपर में ये कॉटन की लेस आती है वो लगाई है, और इसको और ये सेंटर में ये बटन लगा दिया है मैंने, जिससे इसकी खूबसूरती जो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और इसके बॉटम में ये पतली वाली जो गोटा पट्टी लेस आती है वो लगा दिया है मैंने दो लेयर में यहाँ पर, ये भी सिल्वर कलर की ही ली है। अगर वीडियो पसंद आई हो और ये ड्रेस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर